जय माता दी भक्तजनों, आज हम सभी चलने वाले हैं करोल बाग में स्थित 100 साल से भी पुराने सिद्धपीठ माँ झंडे वाली के मंदिर। यहाँ पहुँचने की अगर बात की जाए तो भक्तजनों, यहाँ का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन झंडे वाला मेट्रो स्टेशन ही है। और यहाँ उतरने के बाद यहाँ से आप चाहे तो ई रिक्शा कर सकते हैं, वैसे वॉकिंग डिस्टेंस से आप चाहे तो पैदल भी पहुँच सकते हैं। तो चलिए पहुँचते हैं माता रानी के द्वार पे। झंडे वालान मंदिर पहुंचते ही सूरक्स की फैसिलिटी आपको मिल जाएगी यहाँ पर शूज सबमिट करके। अब चलिए चलते हैं लाइन में। नवरात्रि के दिनों में माता रानी के भवन पर भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और आरती के समय पर बहुत ज्यादा भीड़ आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी। भक्तजन माता रानी के दर्शन पाने के लिए पंक्ति में लगकर माता के जयकारे लगाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। झंडे वाला मंदिर 100 वर्षों से भी पुराना है और यहाँ की मान्यता बहुत ही ज़्यादा भक्तों के बीच में प्रसिद्ध हो चुकी है। नवरात्रि के दिनों में यहाँ पर भक्तगण बहुत बड़ी मात्रा में माता रानी के दर्शन के लिए आते रहते हैं। झंडे वाले के भवन में प्रवेश हो चुका है और अब थोड़ी ही देर में दर्शन होने वाले हैं। माता रानी के भवन को नवरात्रि के दिनों में इतने सुंदर तरीके से सजाया हुआ, इतना मनोरम और अद्भुत लग रहा है। भक्तजन बारी बारी से माता रानी के दर्शन कर रहे हैं। मंदिर के इतिहास की बात करें तो 100 साल से भी पहले की बात है। दिल्ली के एक व्यापारी श्री बद्री भगत के वो सपने में माता ने दर्शन दिए थे और कहा था कि इस बंजर जमीन में तुम्हें मेरी मूर्ति मिलेगी, जिस जगह मेरी मूर्ति होगी वहाँ एक झंडा होगा। बद्री भगत ने जब मूर्ति ढूंढी तो इसी जगह उन्हें झंडे के नीचे माता की मूर्ति मिली। तब उन्होंने यहाँ मूर्ति की स्थापना की और यह मंदिर झंडे वालान मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। झंडे वाली मंदिर आज पूरे देश भर में प्रसिद्ध है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु देवी माँ के दर्शन करने के लिए दूर दूर से आते हैं और नवरात्रों में श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिलती हैं। भक्तजन बस माँ के भजनों में झूमते गाते देवी माँ के दर्शन करने पहुँच जाते हैं। माता झंडे वाली मंदिर में मंगलवार और शनिवार को विशेष रूप से भजन होते रहते हैं तथा नवरात्रे में तो भक्तजन यहाँ पर गीत भजन कीर्तन और जगरात्रे करवाते रहते हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। मंदिर के अंदर माता झंडे वाली के अलावा एक शिवलिंग, हनुमान जी, गणेश जी, सरस्वती जी आदि की प्रतिमाएं भी आपको देखने को मिलेंगी। रानी के दर्शन हो चुके हैं, यहाँ पर मिल रहा है प्रसाद। प्रसाद लेकर चलते हैं बाहर की तरफ। रात्रि का समय हो चुका है, भक्तजन अभी भी भारी संख्या में माता रानी के दर्शन के लिए आते ही जा रहे हैं। यहाँ पर चल रही है फ्री मेहंदी की सेवा, आप चाहें तो यहाँ पर आकर मेहंदी लगवा सकते हैं।
तो भक्तजनों, अगर माता रानी के बहुत अच्छे तरीके से दर्शन हुए हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लें। जय माता दी।